क्या आपने कभी एक घने जंगल में प्रवेश किया है? अगर आप किसी घने जंगल में प्रवेश करेंगे तो कुछ 100 मीटर चलने के बाद आपको यह पता नहीं चलेगा कि आपने किस ओर से प्रवेश किया और किस ओर से निकलना है। धूप, अंधेरा और दिशाहीनता। लेकिन अगर आपको कोई रास्ता दिखाने वाला हो और उसे यह पता हो कि इससे बाहर निकलने का शॉर्टकट यानी छोटा रास्ता कौन सा है, तो फिर आपकी दिक्कतें दूर हो सकती हैं, अन्यथा आप अपना आत्मविश्वास खो बैठेंगे। कोई भी विदेशी भाषा एक बीहड़ जंगल की तरह होती है। आप जब उसमें प्रवेश करते हैं तो आपको समझ में नहीं आता कि कितनी लंबाई और चौड़ाई इस जंगल की है, कैसे इसके पार जल्दी से निकल जाए। अंग्रेजी भी किसी विदेशी भाषा की तरह एक बीहड़ जंगल की तरह लगती है, क्योंकि आप इसकी लंबाई चौड़ाई से वाकिफ नहीं होते, इस जंगल से बाहर निकलने का शॉर्टकट या छोटा रास्ता नहीं जानते और आपके साथ कोई अच्छा मार्गदर्शक नहीं होता। इसलिए कभी कभी चलते चलते आप निराश होने लगते हैं, हतोत्साह होने लगते हैं कि पता नहीं इस जंगल के पार कैसे होंगे। आप इस शब्दकोश को देखें, इसमें लगभग 2000 पन्ने हैं और 1,85,000 के करीब शब्द। हैरानी की बात तो यह है कि यह डिक्शनरी एक अपेक्षाकृत छोटी डिक्शनरी है। अगर आप ऑक्सफोर्ड की बड़ी डिक्शनरी देखें तो आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि उसमें लगभग 6,00,000 शब्द हैं। शब्दों के इतने बड़े जंगल से कैसे पार पाया जाए, यह सवाल उठता है। आप एक रहस्य की बात जान लें, यह जंगल बड़ा जरूर है लेकिन इतना बीहड़ भी नहीं। एक विद्वान के अनुसार महान साहित्यकार शेक्सपियर ने सिर्फ 18,000 शब्दों का प्रयोग करते हुए अपना पूरा साहित्य लिख डाला। तो जब इतना महान साहित्य सिर्फ 18,000 शब्दों में पूरा हो सकता है, तो रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाले शब्द कितने होंगे? निश्चित रूप से 6,00,000 नहीं होंगे, 2,00,000 नहीं होंगे, 1,00,000 भी नहीं होंगे, कुछ हजार ही तो होंगे। कंप्यूटर की इजाद ने भाषाविदों को इस जंगल की लंबाई चौड़ाई मापने का एक बहुत बड़ा और कारगर औजार दे दिया। भाषाविदों ने कंप्यूटर से कहा कि तुम्हारे अंदर जो करोड़ों वाक्य अंग्रेजी के फीड किए हुए हैं, उनमें सबसे अधिक आने वाले शब्दों को ऊपर रखते हुए और सबसे कम प्रयुक्त शब्दों को नीचे रखते हुए एक सूची बना दो। कंप्यूटरों ने कुछ ही घंटों में यह सूची तैयार कर दी। जब इस सूची को देखा गया और ऊपर से 2000 या 3000 शब्द छांटे गए जिनका सबसे अधिक प्रयोग अंग्रेजी में होता रहा है, तो एक हैरान कर देने वाली बात सामने आई। वो बात यह थी कि अगर आप ऊपर के 2000 शब्दों को ले लें तो रोजमर्रा की जिंदगी में, अखबारों में, पत्रिकाओं में, उपन्यासों में, प्रत्येक वाक्य के 10 शब्द में से 8 शब्द इन्हीं 2000 शब्दों में से आते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर आप 2000 शब्दों के उच्चारण, स्पेलिंग, अर्थ और उनके प्रयोग के तरीके सीख लेते हैं तो आप 80% अंग्रेजी सही सही बोल और लिख सकते हैं। यानी यह जंगल इतना बड़ा और बीहड़ नहीं है। हमें इस जंगल के पार जाने के लिए इंटेलिजेंट और शॉर्टकट रास्तों को तलाश करना पड़ेगा। सबसे अधिक प्रयोग में लाए जाने वाले अंग्रेजी शब्दों की सूची बनाने के क्रम में ओरिएंट लॉन्गमैन ने यह दावा किया कि उसने जो 2000 ऊपर के शब्द छांटे हैं, उन्हीं में से प्रत्येक 10 में से 8 शब्द रोजमर्रा की अंग्रेजी में आते हैं। ऑक्सफोर्ड ने एक दूसरी सूची बनाई जिसे उसने ऑक्सफोर्ड 3000 का नाम दिया और यह कहा कि इसमें से ही 10 में से 8 शब्द आते हैं। हालांकि इस 3000 की सूची में उसने कुछ ऐसे भी शब्द शामिल किए जो सर्वाधिक प्रयुक्त शब्दों में से तो नहीं हैं, लेकिन जिन्हें जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। कुल मिलाकर इस जंगल की लंबाई और चौड़ाई इतनी बड़ी नहीं निकली जितनी कि बाहर से दिखती थी। लेकिन सिर्फ शब्दों से तो भाषा नहीं बनती। भाषा के लिए शब्दों को जोड़कर एक प्रणाली के अनुसार, कुछ नियमों के अनुसार वाक्यों में संजोना पड़ता है, यानी सेंटेंस स्ट्रक्चर्स में पिरोना पड़ता है। अब सवाल यह उठता है कि अंग्रेजी में सेंटेंस स्ट्रक्चर्स कितने हैं जो बहुत ही लोकप्रिय या प्रचलित हैं? अगर आप यूं देखें तो फिर घबरा जाएंगे।
हजारों, लाखों? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि सिर्फ 12 मूलभूत या आधारभूत सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हुआ करते हैं अंग्रेजी में, सिर्फ 12। प्रेजेंट टेंस में 4, फ्यूचर टेंस में 4 और पास्ट टेंस में 4। इनके अगर इंटरोगेटिव, नेगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो प्रत्येक वर्ग में 4-4 और वाक्य बनेंगे या सेंटेंस स्ट्रक्चर्स आएंगे। कुल मिलाकर प्रेजेंट टेंस में 16, फ्यूचर टेंस में 16 और पास्ट टेंस में 16, यानी कुल मिलाकर 48 सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हुए। अगर 12 सीख लिया आपने तो उनसे बहुत आसानी से ये सारे 48 बन जाएंगे। और फिर ये तो एक्टिव वॉइस के हुए, इन्हीं से पैसिव वॉइस के सेंटेंस स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे। यानी 100 से भी कम सेंटेंस स्ट्रक्चर्स में आप अंग्रेजी की एक बहुत बड़ी संपदा समेट लेंगे, सेंटेंस पैटर्न्स की या सेंटेंस स्ट्रक्चर्स की, वाक्य संरचनाओं की। इन स्ट्रक्चर्स में ही शब्दों को पिरोकर आपको भाषा बनानी पड़ती है। इसके बाद भी बहुत सारी संरचनाएं हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी हैं जो आपके काम की आती हैं। जैसे उदाहरण के लिए, इट्स टाइम यू स्लेप्ट, ये समय हो गया कि तुम सो जाओ। यह वाक्य संरचना जो हमने आपको आधारभूत संरचनाएं बताई जो टेंस से संबंधित थी, उनमें से एक नहीं है, लेकिन ऐसी संरचनाएं बहुत सारी नहीं हैं। हमने आपके लिए इनकी सूची बना दी है और आप उन्हें आसानी से सीख पाएंगे। कैसे सीखेंगे ये हम आपको इस कोर्स के क्रम में क्रमशः बताते जाएंगे। इसलिए आप यह समझ गए होंगे कि आपको बहुत सारे शब्दों की ज़रूरत नहीं है, कुछ हज़ार शब्द अच्छी तरह सीखने की ज़रूरत है और उसके बाद बाकी संपदा आप पुस्तकें पढ़कर स्वयं अर्जित कर लेंगे, समझ जाएंगे। और वाक्य संरचनाएं भी आपको मूल रूप से 12 समझने की ज़रूरत ठीक से है, और उन्हीं से बाकी जो संरचनाएं हैं वो निकल आएंगी, एक्टिव और पैसिव मिलाकर, फ्यूचर प्रेजेंट और पास्ट टेंसेस को मिलाकर। तो हम इन्हें सीखने निकलते हैं और इसके माध्यम से हम अंग्रेजी का शॉर्टकट ढूंढेंगे जो हमें इस जंगल से बाहर निकाल देगी। तो चलें शुरू करें अपनी यात्रा अंग्रेजी की राह पर आत्मविश्वास के साथ और उल्लास के साथ।